Hello, welcome once again. Today, let us do some more questions based on series. तो इससे पहले मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ जिसके अंदर पांच questions सीरीज के बेसिस पर हम सॉल्व कर चुके हैं. Now, this is question number 6. यहाँ देखिए, consider the following series object, company. इसका मतलब सीरीज का एक नाम रखेंगे हम. सीरीज का नाम होगा कंपनी एंड इट्स प्रॉफिट इन करोड़. डेटा हमारे सामने है TCS, रिलायंस, L&T, विप्रो. तो ये तो हो गया आपका इंडेक्स और ये रहेगा आपका डेटा. इनके बेसिस पे हमें दो काम करने हैं. पहला, राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द कंपनी. ठीक है, कंपनी के नाम है इंडेक्स की फॉर्म में. नेम ऑफ द कंपनी हैविंग प्रॉफिट ग्रेटर देन 250. तो जिनका प्रॉफिट 250 से ज्यादा है, यानी कि हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी. क्लियर. दूसरा कमांड, राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज प्रॉफिट. तो जो सीरीज हम बना रहे हैं जिसका नाम कंपनी है, हमें उसका दूसरा नाम रखना होगा प्रॉफिट. इसको कैसे करना है? इंपोर्ट पांडास एज पीडी. प्रॉफिट एक इंडेक्स 350, 200, 800 और 150. तो हमने एक लिस्ट बना दी प्रॉफिट, जो हमारा डेटा का काम करेगी. अब हम ऐसे ही एक लिस्ट बनाएंगे इंडेक्स के लिए. तो हम एक नाम रख सकते हैं. इंडेक्स तो नाम नहीं रखेंगे क्योंकि वो एक कीवर्ड है, एट्रीब्यूट का नाम है. तो हम IDX रख देते हैं. कुछ भी नाम रखा जा सकता है. पहली कंपनी थी आपकी TCS, उसके बाद रिलायंस और उसके बाद थी हमारी L&T एंड देन विप्रो. ठीक है, तो हमारे पास दो लिस्ट हैं. एक का नाम है प्रॉफिट और एक का नाम IDX. अब हम सीरीज बनाने जा रहे हैं. सीरीज का नाम कंपनी PD.Series. उसके अंदर जो डेटा है, या तो हम ऐसे लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू प्रॉफिट या फिर सिंपली प्रॉफिट. ठीक है, और जो इंडेक्स है, इंडेक्स इज इक्वल टू रहेगा हमारा IDX. ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी लिख सकते हैं. डेटा इज इक्वल टू प्रॉफिट हो गया, इंडेक्स इज इक्वल टू IDX हो गया. प्रॉफिट और IDX दोनों लिस्ट की फॉर्म में हमने ऊपर डिफाइन कर दिए हैं. आई होप इट इज क्लियर. अब इसको हम डिस्प्ले करा के देखते हैं. प्रिंट, यहाँ देखिए स्क्रीन पर. देखिए अब इसको रन करते हैं. तो ये सीरीज देखिए बन चुकी है, आपके सामने है. TCS, रिलायंस, L&T एंड विप्रो, और ये रहा आपका डेटा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द कंपनी हैविंग प्रॉफिट ग्रेटर देन 250. तो इसके लिए या तो आप प्रोग्राम के अंदर ही कोडिंग कर लीजिए या फिर यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड में. तो यहाँ मैं लिख करके दिखा रहा हूँ. तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कंपनी डॉट, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ देखिए प्रिंट कंपनी. सीरीज का नाम देंगे पहले और उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे जो क्वेश्चन में पूछी है, कंपनी ग्रेटर देन 250. तो TCS और L&T ये दो कंपनीज आपके सामने आ गई. ठीक है, एक और क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं. राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज प्रॉफिट. यहां देखिए हमने प्रॉफिट नाम तो पहले से यूज किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट की जगह कोई और नाम रख देते हैं. तो हम रख देते हैं प्रॉफिट की जगह P. ठीक है, तो यहां भी P हो जाएगा, कंपनी कंपनी ग्रेटर देन 250 एंड कंपनी डॉट नेम इज इक्वल टू प्रॉफिट. ये नाम हमने रख दिया, प्रिंट प्रॉफिट. अब इसको सेव करते हैं. यहां देखिए, तो यहां देखिए ये आपका आंसर आ चुका है. TCS और L&T जिनका डेटा 250 से ज्यादा था. ठीक है, तो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा. अब जो सेकंड पार्ट था जिसके अंदर प्रॉफिट नाम हमने रखा था, यहां देखिए कंपनी डॉट नेम आप डिस्प्ले कराएंगे तो प्रॉफिट डिस्प्ले हो जाएगा. ऐसे भी आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट कंपनी डॉट नेम, यहां देखिए तो प्रॉफिट आ गया. ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड प्रोग्राम पर. आपका सेकंड प्रोग्राम क्या है,
आज का सेकंड प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम नंबर 7। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ध्यान से समझ लीजिए, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। ए क्या चीज है? ए इज अ लिस्ट, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान देना है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ए इज अ लिस्ट, वेयर एज बी इज अ सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ए एक लिस्ट है, बी एक सीरीज है, दोनों में सेम वैल्यूज हैं, 10, 20, 25, 50। अब करना क्या है, ये पूछ रहे हैं, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे तो क्या होगा, और बी मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे तो क्या होगा। एक नई फाइल बनाते हैं, ए इज इक्वल टू, क्या करना था हमें, एक लिस्ट तैयार करनी थी, 10, 20, 25, 50, ठीक है। और b इज इक्वल टू क्या करना है, सीरीज बनानी है, pd डॉट सीरीज, और डेटा हमारे पास यही रहेगा, ये रहा हमारा डेटा, ठीक है। अब प्रिंट फर्स्ट आउटपुट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई टू, इसका आउटपुट क्या होगा ये देख लेते हैं, प्रिंट a इंटू टू। ऐसे ही सेकेंड आउटपुट दिखा देते हैं, सेकेंड आउटपुट ऑफ a की जगह बी, बी इंटू टू करेंगे तो क्या होगा। सेव करते हैं इसको। अब इस आउटपुट को बहुत ध्यान से देखना है, इधर देखिए, फर्स्ट आउटपुट ऑफ ए इंटू टू, ए क्या थी हमारी, लिस्ट। लिस्ट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एलिमेंट्स में टू से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, उस लिस्ट के एलिमेंट्स दो बार डिस्प्ले होंगे। यहां देखिए, 10, 20, 25, 50, फिर से 10, 20, 25, 50, क्योंकि ये एक लिस्ट है, ठीक है। पर अगर ये सीरीज होती, जैसे बी, बी इंटू टू करेंगे तो सीरीज के सारे एलिमेंट्स के अंदर टू से मल्टीप्लीकेशन होगा। यहां देखिए, पहले वैल्यू थी 10, यहां आ गई 20, फिर 20 इंटू टू 40, 25 इंटू टू 50 और 50 इंटू टू 100, ठीक है। मैं दिखा देता हूं सीरीज कौन सी थी, ये रही आपकी सीरीज, ठीक है। और लिस्ट क्या थी वो भी दिखा देता हूं, ये थी आपकी लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सीरीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने वाला है, यहां देखिए, सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। Write a program to create a series having 10 random numbers, 10 कोई भी numbers, ठीक है, random numbers, पर 10 और 20 के बीच में। You have to display 10 random numbers between 10 and 20, 11, 11.5, 13.2, whatever, कुछ भी हो सकता है वो, हमें नहीं पता क्या हुआ। तो random numbers कैसे generate किए जाते हैं, मैं इसको run करके दिखा रहा हूँ। एक लाइब्रेरी इसमें और इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है रैंडम, इंपोर्ट रैंडम, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं एलएसटी, लिस्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, इसको खाली छोड़ेंगे, इसके अंदर रैंडम नंबर्स जो जनरेट होंगे उनको स्टोर करेंगे। यहां देखिए कैसे, फॉर एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स इन रेंज, नम इज इक्वल टू रैंडम डॉट आर ए एन डी आई एन टी, ये वो फंक्शन है जो 10 और 20 के बीच के कुछ नंबर्स आपको डिस्प्ले कराएगा, जनरेट करेगा। यहां देखिए, तो रैंड इंट फंक्शन क्या करता है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस रिटर्न्स रैंडम इंटीजर इन द रेंज ए कॉमा बी इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स, ठीक है, 10 और 20 इंक्लूसिव रहेंगे। तो लिस्ट के अंदर हम इसको अब क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं इस नंबर। तो फॉर लूप का काम खत्म हो गया, एक सीरीज बना देते हैं, एस वन इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, किसको यूज करके, एल एस टी, इस लिस्ट को यूज करके, ठीक है। और फिर प्रिंट एस वन, इसे भी सेव कर देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसको रन कराते हैं। यहां देखिए, बहुत ध्यान से देखना, 10 और 20 के बीच के 10 नंबर्स जनरेट होंगे। यहां देखिए, ये तो इंडेक्स आ गया 0, 1, 2, 3 से 9 तक, इससे पता लग रहा है कि 10 नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स आ गए, 11, 19, 18, 17, 17, 12, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।
ओके मैं इसको अब ध्यान से देखना, एक बार 11, 19, 18, 17, 17 ऐसे आ रहा है। ठीक, इसको मिनिमाइज करते हैं, मैं इसको एक बार और रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ वैल्यूज आई है 19, 12, 11 और ऊपर देखते हैं 11, 19, 18। इसका मतलब हर बार ये नए रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा, हर बार सेम रैंडम नंबर जनरेट नहीं करेगा। रैंडम का मतलब ही होता है रैंडम, कोई भी 10 और 20 के बीच में, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, 10 और 20 के बीच के ही है, 10 आपका इंक्लूड हुआ है इसमें, तो 10, 20 भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। और मैं चलता हूँ अब प्रोग्राम पर, यहाँ देखिए ये कैसे किया, LST = blank। तो इससे क्या होगा, यहाँ हमने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई है। ठीक है, कमेंट्स बना के समझा रहा हूँ, इट इज अ BLANK ब्लैंक लिस्ट, मीन्स विदाउट एनी एलिमेंट्स। फिर एक फॉर लूप लगाया, फॉर एक्स इन रेंज 10। अब रेंज क्या करता है, 0 से लेके 9 तक एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, 9 तक, कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स। तो ये हमने लूप इसीलिए चलाया, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर्स हमें जनरेट करने थे। अब नंबर जो जनरेट हो रहा है उसको स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल लिया num, तो num इज इक्वल टू random.randint। ये वो फंक्शन है जो इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर जनरेट करके नम के अंदर स्टोर करा देगा। जैसे मान लीजिए नम के अंदर पहला नंबर स्टोर हो गया 11, फिर हमने क्या किया, lst.append। append का मतलब यहां देखिए, एड एन एलिमेंट इन द लिस्ट एट द एंड। तो जैसे हमारा नंबर पहला आया 11, तो 11 लिस्ट में ऐड हो गया। फिर नंबर दोबारा आया सपोज 19, तो 19 11 के एंड में आएगा, इसलिए अपेंड बोला जाता है, एड एट द एंड। तो ऐसे 10 नंबर ऐड हो गए एलएसटी नाम की लिस्ट के अंदर। उस एलएसटी को यूज करके हमने क्या किया, सीरीज बना दी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वही है, डेटा इज इक्वल टू, जैसे हम कुछ लिखते थे डेटा इज इक्वल टू लिस्ट, और s1 किया, प्रिंट s1 करा दिया आपकी स्क्रीन पर, आउटपुट आ गया। एक बार और रन करके दिखा देते हैं, तो पुरानी वैल्यूज देख लीजिए, 19, 12, 11, 19, 14, 10 ऐसे आ रही हैं। ये आ गई नई वैल्यूज 10, 16, 14, 16, तो हर बार अलग अलग वैल्यूज जनरेट होंगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से इसको रिवर्स करके थोड़ा सा फिर से देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।